अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो फॉर दी अपर कोर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर आपने दूसरे फ्रीलांसर्स और एजेंसीज़ की प्रोफाइल्स देखनी है तो इसका कोई क्या तरीका है, तो मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली अगर दूसरे लोगों की प्रोफाइल्स चेक करनी है तो वो कैसे करनी है, तो आपने यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन का बटन आपको छोटा सा शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कोई भी फ्रीलांसर्स जो हैं वो, मतलब कोई भी अगर टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, अपवर्क के ऊपर सुना है सिर्फ ये डेवलपर्स के लिए है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर सकता हूँ अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल में रहते हुए। और ये वाली चीज़ जो है वो आप बेसिकली मेरे ख्याल से अप्रूव किए बगैर भी अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मेरे पास फ्रीलांसर्स और एजेंसीज शो होना शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस वाज द ट्रिक आई वांटेड टू शेयर विद यू, बिकॉज काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि शायद उन्हें क्लाइंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाके स्विच करेंगे। और ये प्रोफाइल दूसरों की देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि जितनी प्रोफाइल आप दूसरे लोगों की देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल में ऐसा क्या मेंशन होना चाहिए कि आप भी इतने अर्निंग कर सकें, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, बेसिकली हमें वो इस तरह से हेल्प कर सकती है कि कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करने के लिए कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी हो। आप लोगों को फीडबैक चाहिए होता है कि ये जो पिक्चर है वो आपको किस तरह की फील दे रही है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है अवेलेबल। इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके हम अपनी पिक्चर के बारे में फीडबैक ले सकते हैं। सो दी वेबसाइट इज़ photofiller.com। इस पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएं और यहाँ पर आके आप लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप सोशल मीडिया से लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करके इस पिक्चर में आ गया हूँ, और फिर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फेसबुक से, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं लिंक्डइन से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस अपलोड के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर चूज़ कर लें। सो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर हैं, मैं वो अपलोड कर देता हूँ। ये पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है, और यहाँ पर हम बताएंगे कि हम किस कैटेगरी में इसका फीडबैक लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट कैटेगरी ऑफ टेस्ट इज़ दिस। आप यहाँ पर ये बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पर ये पूछ रहा है ईच कैटेगरी टेस्ट डिफरेंट ट्रेड्स। और यहाँ पर मैं बिज़नेस अगर चूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको बेसिकली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहता हूँ, अपवर्क पर, फाइवर पर, freelancer.com पर, या और ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो मैं बिज़नेस पे क्लिक करके यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं, यहाँ पर नीचे आपके पास ट्रेड्स आ रहे हैं कॉम्पिटेंट, लाइकेबल, इन्फ्लुएंशियल। अगर आप सोशल पे क्लिक करेंगे तो इसके डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, यानी कॉन्फिडेंट, ऑथेंटिक और फन, और इसी तरह से ये और कैटेगरी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप बिज़नेस वाला चूज़ करेंगे। अगर हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे और freelancer.com पे, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्रोफेशनल टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर इसको कह देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेस्ट साइज के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये फ्री वाला ऑप्शन है, फिर उसके बाद रफ टेस्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, प्रिसाइज टेस्ट है, तो हम यहाँ पर फ्री वाला चूज़ कर लेते हैं। यू कैन ओनली हैव वन कर्मा टेस्ट एक्टिव एट ए टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्ट रन किए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये मैसेज दे रहा है कि आपके पास सिर्फ एक जो है ना वो टेस्ट एक वक्त में एक्टिव हो सकता है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस योर टेस्ट विद दिस वन, दी अदर टेस्ट विल बी पॉज्ड। तो मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ।
जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ गया, योर टेस्ट इज़ नाउ एक्टिव, डू नथिंग एल्स एंड यू मे गेट ए फ्यू वोट्स इन डेज और वीक्स, टू गेट मोर वोट्स फास्टर गो वोट ऑन फोटोज और बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर बेसिकली अब ये आपके पास वोट्स आपको मिलते रहेंगे और उसके बेस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये पिक्चर चूज़ करनी है या नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी वोट्स मिले तो आप दूसरे लोगों की फ़ोटोज़ के ऊपर वोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गो वोट ऑन फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। ये किसी पर्सन ने पिक्चर अपलोड की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर इसका टाइटल है और यहाँ पर कॉम्पिटेंट में आपके पास आ रहा है। तो कॉम्पिटेंट में आपके पास मतलब ये स्मार्ट है या कैपेबल है, तो आपको जो फील हो रहा है आप उसका वोट दे देंगे। सो लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ समवॉट, और लाइकेबल फ्रेंडली फ्रेंडली फील आ रही है कि नहीं वेरी कर देता हूँ। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंशियल लीडिंग इन चेंज, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल में मैं इसको नो कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद यहाँ पर इसको मैं सबमिट वोट करता हूँ, तो ये नेक्स्ट पिक्चर मेरे पास आ गई है। कॉम्पिटेंट में इसमें वेरी कर देता हूँ, लाइकेबल वेरी कर देता हूँ, लेट्स सपोज इन्फ्लुएंशियल वेरी कर देते हैं। तो ये आप जितने वोट्स करते रहेंगे आपको उसका फीडबैक बेसिकली आपका सबमिट होता रहेगा और फिर उसके बाद आपके पिक्चर के ऊपर भी वोट्स बढ़ते रहेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो टाइटल इंजीनियर है, स्मार्ट कैपेबल, फिर उसके बाद लाइकेबल और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंशियल। आप इस तरह से वोट करते रहें और आपको फिर उसका फीडबैक मिलता रहेगा। तो आप कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं कि सोशल की कैटेगरी में अगर आपको पिक्चर्स देखनी है तो ये सोशल की कैटेगरी में आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाने के बाद अपनी पिक्चर को अपलोड करें। अगर आप अनश्योर हैं कि आपको ये पिक्चर अपलोड करनी चाहिए अपने अपवर्क के अकाउंट पे, फाइवर के अकाउंट पे या दूसरे जो प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर, तो आप यहाँ पर जाके पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ फोटो फिलर वर्क्स। और